हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ओपन ऑफिस बेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है ओपन ऑफिस बेस की। तो आइए देखते हैं कि ओपन ऑफिस बेस में हम किस प्रकार से टेबल बनाएंगे, क्वेरी बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे और रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, ये लिब्रा ऑफिस बेस है लेकिन हमें ओपन करना है ओपन ऑफिस बेस। तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर टाइप करता हूँ ओपन ऑफिस। तो ये हो गया ओपन ऑफिस और यहाँ पर बेस आपको मिल जाता है, क्लिक करिएगा इस पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये ओपन ऑफिस ओपन हो जाएगा। ये जो है सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है लेकिन हमें इसमें ओपन ऑफिस बेस ही ओपन करना है। तो यहां से जाके और फिर हम इसको रजिस्टर नहीं करने जा रहे और इसको फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो जब फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहां पर बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम आ जाएगा और इस पर सेव पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जो नेम है ये पहले से मौजूद है, मैं इसको कोई और नाम दे देता हूं, लाइक यहां पर दे देता हूं एम्प्लॉई नाम दे देता हूं और एंटर कर देता हूं। तो आपके सामने जो सिनेरियो आएगा कुछ ऐसा आएगा। अब हमें यहां से डिजाइन व्यू में जाना, ये जो दिख रहा है ना तीन चीजें दिख रही होंगी आपको, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, यूज विजर्ड और ये क्रिएट व्यू। तो यहां पे क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे आएंगे और यहां पर पहले इसे बना लेंगे हम क्या प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बनाने से पहले फील्ड नेम देंगे हम। तो जैसे सपोज कीजिए फील्ड नेम में हमने दे दिया एम्प्लॉई आईडी। देखिए यहां पर एम्प्लॉई का डेटाबेस मैं बना रहा हूं तो यहां पर कर दिया एम्प्लॉई आईडी। ठीक है, और एम्प्लॉई आईडी का जो डेटा टाइप है, यहां पर आपको एक्सेस से हट करके काफी ज्यादा डेटा टाइप्स मिल जाते हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। ये सारे ही डेटा टाइप्स एक्सेस से हटके हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो नेम ऑफ एम्प्लॉई आएगा। तो यहां पे कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉई, आपको अंडरस्कोर लगा के लिखना है। और यहां पर जो है नेम ऑफ एम्प्लॉई करेंगे, स्टूडेंट नहीं, तो यहाँ पे ई एम पी एल ओ वाई डबल ई, तो नेम ऑफ एम्प्लॉई हो गया। इसका भी डेटा टाइप आप देख सकते हैं, मैंने वेयर कैरी रखा हुआ है। और यहां पर एक चीज दी गई है एंट्री रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहां पर वाले में यानी एम्प्लॉई आईडी वाले फील्ड में यस कर देते हैं, एंट्री रिक्वायर्ड यानी इसमें आप डेटा एंट्री किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। और राइट क्लिक करके इसे बना देते हैं प्राइमरी की। ये देखिए प्राइमरी की एक यूनिक की होती है जो कभी भी इसकी वैल्यूज मैच नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेम ऑफ एम्प्लॉई। इसके बाद आएगा सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी दे देते हैं। तो ये हो गया सैलरी, देख सकते हैं इसका डेटा टाइप चेंज रहेगा। इसका डेटा टाइप हम क्या कर देते हैं यहाँ पे नंबर कर देते हैं। ठीक है, और यहां से नीचे आएंगे तो आगे हम जो है इस पर पीएफ डिडक्ट करेंगे तो ये पीएफ हो जाएगा। और पीएफ का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, तो यहां पर देखिए पीएफ का डेटा टाइप मैंने यहां पे मैं रख देता हूं डेसिमल। और डेसिमल रख करके क्या करेंगे, फॉर्मेट यहां दिया गया, ये देख सकते हैं ये फॉर्मेट है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग फॉर्मेट दिया गया, तो हम इसे परसेंट बना लेंगे। देखिए ये परसेंट और डेसिमल प्लेसेस टू रखा है और यहां से ओके कर देंगे। तो ओके कर देंगे तो यहां पर पीएफ आएगा। ठीक है, अब पीएफ तो आ गया यहां पर और ये पीएफ आएगा किसमें, परसेंटेज में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करते हैं पीएफ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हम सीधा सीधा इस पे सेव पे क्लिक करते हैं और यहां पे एम्प्लॉई नाम से ये टेबल बनी हुई है तो यहां पे एम्प्लॉई टी कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये एम्प्लॉई टेबल हमारी तैयार हो जाएगी और एम्प्लॉई टेबल तैयार होने के बाद इसको क्लोज करेंगे। देखिए ये हमारी एम्प्लॉई टेबल है और अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी दे देता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी E01 दे देता हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉई में ईशा दे देता हूँ एक नाम। और आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे सैलरी, तो यहाँ पे 30,000 कर देते हैं सैलरी और यहाँ 5% जो है पीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जैसे ही मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हट जा रहा है, यहाँ पर ये एंटर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर 5 लिखा तो ये ऑटोमेटिक हट जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार इसे एडिट करना होगा, यानी कि यहाँ से जाकर यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो ये पीएफ वाले सेक्शन में आकर के इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दीजिएगा और डेसिमल प्लेसेस मैंने 3 रखा है और एंट्री रिक्वायर्ड भी रखा है और लेंथ तो आप देख ही सकते हैं। तो अब इसको क्लोज करने की बारी है और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएफ दिया गया है। अभी ये 0% दिखा रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे 10% आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो यहाँ पे करते हैं E02। ठीक है, और फिर नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, यानी दूसरा जो एम्प्लॉई है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है राम, RAM। और यहाँ पे सैलरी कितनी है 40,000, तो यहाँ पे 40,000 दे दिया, यहाँ पे 1200% आ गया, तो इसको हम 12% रखेंगे। जैसे अलग अलग मैं करके दिखा रहा हूँ कि अलग अलग के हिसाब से भी, हालांकि पीएफ तो एक ही कटेगा,
15% के आसपास पीएफ कटता है, फिलहाल मैंने 12% यहां पे कर दिया, ठीक है। और अब हम इसको यहां से क्लोज करते हैं, ये सेव तो हो ही चुका है, और क्लोज कर देने के बाद अब हमको इसके लिए क्वेरी बनानी है। तो जरा ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेरी किसके किसके लिए बनेगी, सैलरी इनटू 10% की क्वेरी बनेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्वेरी पे चलेंगे, और क्वेरी पे जाने के बाद यहां से यूज विजार्ड इन क्वेरी डिजाइन इस पे आपको क्लिक करना है, और यहां से आपको क्या लेना है, एम्प्लॉई आईडी लेना है, एम्प्लॉई नेम लेना है, सैलरी और पीएफ लेना है, और ये लेकर के नेक्स्ट करके, और यहां से असेंडिंग डिसेंडिंग आप करना चाहते हैं एम्प्लॉई आईडी के बेस पे कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा आगे बढ़िएगा, और यहां से इसको नेक्स्ट करके और तब इसको फिनिश करिएगा। तो ये इस तरीके से आ रहा है, देख सकते हैं, लेकिन हमको इसमें कैलकुलेशन भी करना है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो यहां पर आकर के अब यहां पर हम पीएफ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो इसे हम एक नाम दे देते हैं पीएफ अमाउंट, ठीक है, अंडरस्कोर अमाउंट कर देते हैं। और पीएफ अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, तो अब देखिए परसेंटेज के आधार पर हम पीएफ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, डॉटेड कॉमा में क्या लिखेंगे, सैलरी एस ए एल ए आर वाई, क्योंकि पीएफ हमारा सैलरी में ही छिपा होगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको शायद याद होगा अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है तो, क्योंकि ये एक्सेस नहीं है और ना ही एसक्यूएल सर्वर है ना ही माई एसक्यूएल है, तो ऐसे में यहां पर डॉटेड कॉमा यूज होगा कैलकुलेट करने के लिए, यहां पर क्वेरी बनाने के लिए केवल डबल इंटेड कॉमा यूज होगा, कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो आप गलती करेंगे, ठीक है, आपका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। किससे, पीएफ से, तो यहां पर डबल इंटेड कॉमा में लिख देंगे पीएफ, तो बस ये काम हो जाएगा। और इसको नाम तो हमने दे दिया है पीएफ अमाउंट, देख सकते हैं अलियास के अंदर, और यहां पर जाकर के इसको सेव करेंगे, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद जब रिजल्ट आएगा इसका तो हम देखेंगे कि क्या हुआ। तो यहां पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है पीएफ और जो दोनों का पीएफ है वो कैलकुलेट हो गया। अब देखिएगा कमाल, यहां पर जैसे जैसे इंप्लॉइज के नेम देते जाएंगे वैसे वैसे पीएफ कैलकुलेट होता चलेगा। जैसे E03 किया और यहां पे लिख देते हैं शाहिद, शाहिद कर देते हैं, और यहां पर आते हैं तो यहां पर अब सैलरी की बात आएगी, तो यहां पर 30,000 कर देते हैं सैलरी, तो ये देखिए 30,000 किया, और यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है 1200 आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस बार 15% करते हैं, तो ये 15% के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए 4500 रुपए अपने आप आ गया, अब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला वाला एंट्री करते हैं E05, ये कर दिया हमने, और यहाँ पे शोभित एक और नाम दे दिया शोभित, और यहां पर इनकी सैलरी, तो इनकी सैलरी मान लीजिए 15,000 है, तो यहां पे 15,000 कर दिया हमने, और जो पीएफ अमाउंट कटेगा वो 5% कटेगा, तो ये 5% हो गया, और यहां से 750 रुपए आ गया। और यहां पे क्या करेंगे, E06 कर देंगे, और यहां पर कर देंगे हम क्या, फातिमा, एक और नाम लिख दिया हमने यहाँ पे फातिमा। अब यहां पर जो है इनकी सैलरी है 12,000 रुपए, तो यहाँ पे 12,000 कर दिया, और यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे जो भी पीएफ जो भी डिडक्ट होता हो, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी अमाउंट आप डालेंगे, जैसे 3% ही डाल देते हैं, तो ये 3% के हिसाब से काट करके हमें दे देगा। तो इस तरीके से पीएफ अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता चलेगा, और ये सब दिक्कतें जो आपको आ रही थी ये दिक्कतें आपको नहीं होंगी, ये गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो आप चाहे ओपन ऑफिस में काम करिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, चाहे एसक्यूएल सर्वर में काम कीजिए, या माई एसक्यूएल में काम कीजिए, ओरेकल में काम कीजिए, कहीं पर भी आप काम कीजिए, इजिली काम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको सवाल कोई पूछना है इस चैप्टर को लेकर के, तो आप मुझसे सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने की जल्दी कोशिश करूंगा। और चैनल को वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।